है नहीं दोस्तों, आज हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम कैसे काम करते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करके उसको प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं। एंजाइम थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन व्हिच रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट्स। अब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ अमल करेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम इसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये दोबारा भी रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अब एंजाइम जो है एंजाइम का छोटा सा हिस्सा ही कैटालिसिस में शामिल होता है उस हिस्से को कहते हैं एक्टिव साइट। एंजाइम क्या करता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। बाइंड करके उसके साथ रिएक्ट करके उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। ये बन गया थी प्रोडक्ट। ये एंजाइम उसी तरह रिलीज किया जाता है, उसी तरह अनअल्टर्ड, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती और ये दोबारा इस्तेमाल के लिए चला जाता है। अच्छा, जो एंजाइम होता है ये एक्वस मीडियम में काम करता है। एंजाइम एक्वस मीडियम में काम करता है। अब हमने बात की थी एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट में टू साइट्स होती हैं या टू रीजंस होती हैं। एक्टिव साइट में टू रीजंस होते हैं, एक को कहते हैं बाइंडिंग साइट दूसरे को कहते हैं कैटालाइटिक साइट। अब जो बाइंडिंग साइट है वो क्या करती है, वो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट कराने में मदद करती है, वो रिकॉग्नाइज कराती है। इस तरह एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल जाता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल जाता है, बाइंडिंग साइट हेल्प कराती है उनको मिलने में, फिर ये क्या होता है, इट एक्टिवेट्स द कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट क्या करती है, कैटालाइटिक साइट जो है वो इसके ऊपर अमल करती है सबस्ट्रेट के ऊपर और उसको प्रोडक्ट में तब्दील करने में मदद देती है। हमने देखा कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। इस मैकेनिज्म की वजह के लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, टू मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेबल हैं, उसमें लॉक एंड की मॉडल जो 1890 में ईमेल फिशर ने पेश किया। लॉक एंड की मॉडल ये बताता है कि जैसे एक लॉक को एक ही की खोल सकती है, इसी तरह एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट पे या एक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करता है, उसको प्रोडक्ट में तब्दील करता है। एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ए स्पेसिफिक लॉक इन द सेम वे एन एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। अब लॉक एंड की मॉडल यह भी बताता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। यह लॉक एंड की मॉडल है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है, यह डैनियल कॉस्टनर ने 1959 में पेश किया। डैनियल कॉस्टनर यह कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है यह रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो उस शक्ल में ढल जाती है जिसकी इसको जरूरत होती है। इट मॉडिफाइड इटसेल्फ इनटू दैट फॉर्म व्हिच इज रिक्वायर्ड और नीडेड टू कंप्लीट दैट रिएक्शन। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं।